हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू 360 गेन। दोस्तों, फाइनली आरआरबी की ओर से एनटीपीसी की एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड को लेकर एक नया अपडेट आया है कि आपका एडमिट कार्ड कब तक जारी कर दिए जाएंगे और आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम है वह कब से शुरू होने वाले हैं। उसी के संबंध में दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आया है, उसी अपडेट को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों अपडेट है जिसमें कहा गया है कि आरआरबी अगले हफ्ते जारी करेगा एनटीपीसी के एडमिट कार्ड। तो आपकी जो दोस्तों एनटीपीसी की 35,000 वैकेंसी हैं उसके लिए जो एडमिट कार्ड है, परीक्षा की एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड है, मैं अगले हफ्ते जारी कर दिए जाएंगे। इसको और विस्तार से बता देता हूँ कि आपका एग्जाम कब से शुरू होने वाले हैं। भारतीय रेलवे एनटीपीसी पदों पर भर्ती के लिए रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी परीक्षा आयोजित करेगा। इसके लिए अगले हफ्ते तक आरआरबी एनटीपीसी के एडमिट कार्ड जारी करेगा। इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे, इसलिए परीक्षार्थियों को अधिकृत वेबसाइट rrbonlineregistration.in पर जाना होगा, या तो दोस्तों आपकी जो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी अपना अपना एडमिट कार्ड एनटीपीसी का डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए परीक्षार्थियों को डेट ऑफ बर्थ एवं रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा, उसके बाद दोस्तों आप अपना आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड में दोस्तों आपको सारी कुछ जानकारी मिल जाएगी कि आपका सेंटर कौन सा है, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों, और आपको मैं एक जरूरी जानकारी दे देता हूँ, दोस्तों आपका जो रियल एडमिट कार्ड होता है, एग्जाम सिटी की इन्फॉर्मेशन तो आपको पहले ही दे दी जाती है, बट आपका जो एग्जाम सेंटर है, किस शिफ्ट में एग्जाम है, कितने बजे से, वह आपको आपके एग्जाम डेट के 4 दिन पहले ही आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। आगे इसमें क्या गया कि आरआरबी रेलवे में गैर तकनीकी श्रेणी में खाली पदों को इस एग्जाम के माध्यम से भरा जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होते ही परीक्षा की तारीख भी घोषित हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम जुलाई में कराने की प्लानिंग कर रहा है, मतलब आपका दोस्तों जो एनटीपीसी का एग्जाम है वह जुलाई में शुरू होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपके नेक्स्ट वीक एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी हो जाएंगे और उसके के साथ आपकी एग्जाम की जो डेट है वह भी घोषित हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। आई होप दोस्तों आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।